हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भारत के साथ साथ विदेश में भी चर्चित सेलिब्रिटीज में से एक हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, उनके फैंस विदेशों में भी हैं। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इन दिनों वे अपनी अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको का विदेश में अकेले प्रमोशन कर रही हैं, जबकि इसमें बहुत सारे सितारों ने काम किया है। उनके फैंस उनके बारे में लगभग हर बात जानते होंगे, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया है। आप सभी जानते हैं कि प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद 2002 में आई तमिल फिल्म थामिजान से की। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रियंका की पहली जॉब बर्फ खोदने की थी। इस बात का खुलासा खुद प्रियंका ने किया है। हाल ही में प्रियंका ने यूएस मैगजीन को एक इंटरव्यू में ये बात बताई है। वीकली यूएस मैगजीन के साथ चैट के दौरान प्रियंका ने बताया कि उनकी पहली नौकरी बर्फ खोदने की थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि चाहे फिल्में हो या टीवी शो, वे अपने स्टंट खुद ही करती हैं। बता दें, प्रियंका इन दिनों अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको के प्रमोशन में बिजी हैं। 2 साल बाद बॉलीवुड में वो सलमान खान स्टारर भारत से वापसी करेंगी। इस फिल्म में करीब 10 साल बाद प्रियंका और सलमान की जोड़ी देखने को मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।